शहर में गैर कानूनी एलपीजी फरोख्त करने वालों की शामत, पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। गुलशन इकबाल में 3 दुकानें सील, 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुंजान आबादियों में मौजूद गैस सिलेंडर की दुकानें चलता फिरता बम बन गईं, पुलिस भी एक्शन में आ गई। एसएचओ गुलशन इकबाल नईम ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जो गुलशन इकबाल का इलाका है उसके अंदर 3 जगह पे हमने कार्रवाई की है, और ये शॉप्स ऐसी जगहों पे वाकई थी जहाँ पे गुंजान आबाद जो है पॉपुलेशन है, और ये एक हैजर्ड है, किसी भी टाइम जो है एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसे कि फेडल बी 2 रोज़ कबल जो है फेडल बी एरिया में हुआ। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है हमारे DIGP साहब ईस्ट की, और इसके अलावा SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा साहब की, उन्हीं की हदायत के ऊपर हमने ये काम किया। गुंजान आबादियों में मौजूद गैस सिलेंडर की दुकानें चलता फिरता बम बन गईं, पुलिस भी एक्शन में आ गई। SHO गुलशन इकबाल नईम ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जो गुलशन इकबाल का इलाका है उसके अंदर 3 जगह पे हमने कार्रवाई की है, और ये शॉप्स ऐसी जगहों पे वाकई थी जहाँ पे गुंजान आबाद जो है पॉपुलेशन है, और ये एक हैजर्ड है, किसी भी टाइम जो है एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसे कि फेडल बी 2 रोज़ कबल जो है फेडल बी एरिया में हुआ। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है हमारे DIGP साहब ईस्ट की, और इसके अलावा SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा साहब की, उन्हीं की हदायत के ऊपर हमने ये काम किया।